तो मैंने आज कोशिश यही करी कि ज़्यादातर राह चलते लोगों से सड़क पे बाज़ार में बात करूं और आपको अजमेर का माहौल दिखाने की कोशिश करूं। समाज के हर तबके से हर तरफ जाकर, अब अंधेरा भी हो गया है आजकल तो 6 बजे। अरे मैडम, आपका हाथ कैसे टूट गया? सर एक्सीडेंट हो गया था, पीछे से कार ने टक्कर मार दी थी तो ऑपरेशन हुआ है। आप स्कूटी पे थी? मैं स्कूटी पे थी। हेलमेट लगाई थी कि नहीं? हाँ सर, हेलमेट लगा रखा था, जब भी तो सिर बच गया। ये तो बात है, बहुत लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं। तो आप क्या करती हैं? मैं एडवोकेट हूँ। तो आपने मुकदमा ठोक दिया? नहीं नहीं, मुकदमा नहीं ठोका, अभी पैर का प्लास्टर तो अभी खुला है, हाथ में अभी ऑपरेशन हुआ और रखा है। कहाँ मैं इन झंझटों में पड़ूंगी, पहले ठीक तो हो जाऊँ। अरे मुकदमा वकील नहीं करेगा तो कौन करेगा? पर सीसीटीवी कैमरे नहीं है, जिस रोड पे हुआ मालूम करवा लिया तो। वैसे भी अजमेर में मैं देखता हूँ लोग जल्दी में बहुत रहते हैं। जल्दी में? हाँ ये फैक्ट बोला, बहुत जल्दी में रहते हैं। ये जल्दी में नहीं थी ना? ये जल्दी तो पीछे से टक्कर मारी ना। अरे तो पीछे वाला जल्दी में रहा होगा ना? पीछे वाला जल्दी में रहा होगा। आप क्या करती? एडवोकेट है सर, एडवोकेट हूँ। आपका क्या नाम है? विष्णु कंवर। आपका नाम क्या है मैम? रेखा गोयल। मैं थोड़ा ये जानने के लिए आया हूँ कि ये जो चुनाव चल रहा है राजस्थान का, तुम शहरी, आप लोग कामकाजी महिलाएं, शहरी महिलाएं क्या सोचती हैं ये चुनाव के मुद्दे, ये राजनीति की बातें, ये जो नेताओं की तरफ से वादे देख रही है ना, इस पर आप क्या सोचती है? क्या मुद्दा होना चाहिए और किस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है और राजस्थान में हवा बह रही है क्या किसी की? बीजेपी आएगी राजस्थान में, बीजेपी आएगी 100%। और सीएम कौन बनेगा? अब सीएम तो कोई भी बने लेकिन बीजेपी आएगी, बस इतना है। हम ज्यादा तो हम क्यों पत्ते खोले हमारे। आप बीजेपी की हैं क्या? हाँ मेरे पापा बीजेपी में अच्छे वो रहे हुए हैं, अब नहीं है लाइव जिन दुनिया में, लेकिन पहले बहुत अच्छे वासुदेव देवनानी जी के बहुत अच्छे फ्रेंड रहे। एमएलए साहब के? हाँ उनके साथ जुड़े हुए थे। कोई बात नहीं। अच्छा पहले वाली बीजेपी और अब वाली बीजेपी में कोई अंतर? इस बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, आप किसी और से चर्चा कर लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, आप इसलिए बोल रही हैं कि ये रिवाज है राजस्थान का बदलने का, इसलिए बोल रही हैं या इसलिए बोल रही हैं कि गहलोत सरकार का काम नहीं है? सर गहलोत सरकार का कोई काम नहीं है, राजस्थान के टुकड़े पे टुकड़े कर रहा है, जिले पे जिले बना रहा है, संभाग बना रहा है। पहले जिले कम थे क्या? हर चीज को मतलब फ्री बिजली देना, बिजली देने की बजाय आप किसी गरीब को जॉब पे लगवाओ, वो ज़्यादा अच्छा है कि वो पैरों पे खड़ा होगा। ये बिजली फ्री देने से क्या हो जाएगा? और आप क्या मानती हैं? मैं वैसे कांग्रेसी हूँ मैं तो। अरे और दोनों सहेलियाँ भी है क्या? देखो उससे मतलब नहीं, काम अच्छा होना चाहिए। वे भी कांग्रेस सरकार अच्छा काम कर रही है तो अच्छा ही बोलेंगे हम। अरे आपके सामने क्या बोल रही है वो? देखो उनके विचार है, मेरे विचार तो जो है मैं आपको बता दी। वो कह रहे हैं रेवड़ियां बांट रहे लोग। वो ऐसी बात नहीं, देखो कोई भी सरकार है वे अच्छा काम करे जनता के लिए, वही सबसे बढ़िया है। चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस, जनता के लिए अच्छा काम करे। वो कह रहे राजस्थान के टुकड़े कर रहे हैं, मार जिले के जिले, 19 जिले बना दिए। ऐसा कुछ नहीं, प्रगति तो हो रही है ना, प्रगति हो रही है और क्या है, नई नई जनरेशन आएगी और नई। तो उनके पिताजी तो एक बीजेपी बड़े कद्दावर नेता के करीबी थे, आपके पिताजी भी कांग्रेस में किसी? मेरे पिताजी हो चाहे पूर्वज बड़े बड़े नेता, उससे मुझे मतलब नहीं है। अभी अभी क्या हालात है, अभी जो अच्छा चल रहा है ना उसमें ध्यान दो। नहीं जैसे इन्होंने कहा मेरे पापा थे बीजेपी में इसलिए। देखो मेरे पापा बीजेपी में है, वो है वैसे है बीजेपी के, पूरा परिवार बीजेपी का है। इनके ये कह रहे हैं हम, मेरे भी है, मेरे भी है, पूरा घर बीजेपी का ही है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं तो ये देखती हूँ जो काम अच्छा हो ना उनके तो लिए। आपको बीजेपी में ऐसी कमी क्या दिखती है कि आप कांग्रेस की तरफ है? नहीं कमी कुछ नहीं है, वैसे मुझे कांग्रेस में ही हूँ मैं इंटरेस्टेड, कांग्रेस ही हूँ मैं तो, मैं कांग्रेस ही हूँ मैं। आप इनको नहीं समझा पा रही कि आपको नहीं समझा पाती? देखो मैं इनके विचार में, मैं अपने विचार इन पे नहीं थोप सकती ना, जो उनके विचार। आप अभी क्या है मुझे क्या पता, आप बीजेपी हो चाहे कांग्रेस ही हो वो आपके विचार है। क्या रहूँगा मैं तो पूछता रहता हूँ। अच्छा गहलोत साहब आ सकते हैं? कहाँ पे गहलोत साहब सरकार में आ सकते हैं राजस्थान में? आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं? अभी भी तो वही है। अब चलिए दो वकीलों में मैं क्या मुकदमा लड़ाऊं, आप लोगों ने अपनी 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 सोच है इसमें क्या है। हमारी सोच है बीजेपी आएगी और 100% आएगी, दावे से कह रही हूँ। देखो
कांग्रेस अगर कोशिश करेगी तो वो भी आ सकती, इसमें क्या है, कोशिश करते रहो। आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। मैं तो ऐसे ही चलते। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार, क्या आदेश? मैं ठीक हूँ। मैं तो सड़कों पर चल रहे, मजा आ रहा है। मैं सड़क का ही आदमी हूँ। मैं तो सड़क के लोगों से ही बात करता हूँ। यहाँ महिलाएं खड़ी थी, मैंने यहीं से ही शुरू कर दिया। तो आप बताइए, आपके हिसाब से क्या लग रहा है राजस्थान का चुनावी माहौल? राजस्थान में वर्तमान में जो स्थिति है, अजमेर शहर की अपन बात करें, पिछले 20 साल से एक ही पार्टी के दो विधायक राज कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि वह ऐसी क्या, फिर वो अपने टिकट की डिमांड कर रहे हैं कि हमें उसी से टिकट दिया जाए। बीजेपी की बात है, बीजेपी की बात है, क्योंकि बीजेपी के 20 साल से विधायक हैं दोनों, MLA। 20 साल में उन्होंने अजमेर के लिए ऐसा क्या किया कि वो फिर से अजमेर के लिए टिकट मांग रहे हैं? उनको सत्ता का मुँह छोड़ के, विधायक का मुँह छोड़ के दूसरे को मौका देना चाहिए, क्योंकि नया व्यक्ति आएगा तो नई ऊर्जा होगी। सरकार किसकी आने वाली? सरकार जिस प्रकार से अशोक गहलोत जी ने काम किया है आज की तारीख में, बहुत अच्छे उन्होंने जनता के हित के काम किए हैं, भलाई के काम किए हैं, तो फिर से कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। चलिए अब मैं थोड़ा दूसरी जगह चलता हूँ।